इक्वाडोर के पोसोरखा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला बोलकर भीड़ ने तीन लोगों को छुड़ा दिया और बाहर दौड़ाते हुए लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए। ये तीनों मोबाइल और पैसों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन भीड़ ने बच्चों की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी हत्या कर दी, जिसके लिए लोगों ने पहले उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला। इस बीच वहां 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। नारेबाजी करते हुए भीड़ तीनों पर बेरहमी से टूट पड़ी। हंगामा कर रहे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी और पुलिस वाले कुछ ही थे जो उन पर काबू पाने में नाकाम रहे। तीनों आरोपियों के अधमरे होने के बावजूद लोग उन्हें लातों से पीटते रहे। बच्चा चोरों की झूठी खबर से भड़के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर आग लगा दी। इस बीच कई लोग तो तीनों को बेरहमी से मारने का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। आगजनी करने और पत्थर मारने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल थी। यही नहीं, जिन तीन लोगों की भीड़ ने हत्या की उनमें भी एक महिला शामिल थी। इन लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते भीड़ ने पुलिस स्टेशन को ही निशाना बना लिया। हद तो तब हो गई जब तीनों की मौत के बाद भी लोगों ने उन्हें नहीं बख्शा। भीड़ में शामिल कुछ लोग उनके कपड़े खींचने लगे और एक आदमी तो खंभे से उन्हें मारता रहा। तो फे उन रोबो के नो हबिया निंगुना पर्सोना मुर्ता, नो हबिया निños रोबादोस, नो हबिया निños मुर्तोस, एरा उन रोबो। तीनों की मौत के बाद लोगों ने आरोपियों की कार को निशाना बनाया। लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया। भीड़ की हिंसा में तीन पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हादसे के बाद आसपास के इलाके को जांच के लिए सील कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सालाना विजयदशमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नागपुर में आरएसएस का ये कार्यक्रम रेशमी बाग मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 80 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों को मंजूरी दी है। कांग्रेस 50% मौजूदा विधायकों को टिकट देने जा रही है और बाकी नए चेहरों को मौका मिलेगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों पर अभी स्थिति साफ नहीं की है। क्लियर कोई नहीं हुआ, हमने चर्चा करी है और ये चर्चाएं जारी रहेंगी। फिर से नई डेट फिक्स करी जाएगी। हमने करीब 80 नामों पर चर्चा करी है, पर कुछ तय नहीं हुआ क्योंकि जो जीतने वाले हैं उनको टिकट दी जाएगी। कितनी सीटों पे नाम तय किया सर आप लोगों ने सर आज? It should be around 80. 80 seats. All sitting MLAs. Many sitting MLAs, few of the new faces. बायोफ्यूल से स्पाइसजेट के पैसेंजर प्लेन की सफल उड़ान के बाद अब एयरफोर्स अपने मालवाहक विमान को बायोफ्यूल से उड़ाने में जुटी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में बने एयरफोर्स के मालवाहक विमान AN-32 को पहली बार बायोफ्यूल से उड़ाया जाएगा। बताया गया कि AN-32 मालवाहक विमान को उड़ाने के लिए बायोफ्यूल और ATF यानी एयर टर्बाइन फ्यूल को मिलाकर बनाए गए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फ्यूल को बनाने के लिए 90% ATF और 10% बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अगर AN-32 की उड़ान सफल रही तो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन सुखोई और MiG-29 को भी इस फ्यूल से उड़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स विमानों के फ्यूल पर हर साल करीब 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। दावा किया गया कि बायोफ्यूल के इस्तेमाल से एयरफोर्स के ईंधन खर्च में 10% तक की कमी आ सकती है।